हेलाडो आइसक्रीम खाना कोई मसला नहीं भाई। फैसल भाई आ गए मुझसे मिलने और मैंने फैसला किया इन्हें काटने का और ले गया हेलाडो आइसक्रीम के। भाई मेरे पास आए हो, मुझे लेके चलो आइसक्रीम वगैरह खिलाओ। और हेलाडो आइसक्रीम पहुंचने के बाद हम अंदर गए, अंदर विजिट किया भाई किस तरीके से काम हो रहा है, और देखा नीचे ठंडा तवा जिसके ऊपर ये आइसक्रीम वगैरह पका रहे हैं, बना रहे हैं, बना के हमें दे रहे हैं, किस तरीके से क्रीम को उसके ऊपर पकाते हैं, उसके बाद रोल बना के इस तरीके से डिस्प्ले करके हम लोगों को देते हैं। हम लोग आ गए बाहर और देखिए अपनी जगह, फैसल भाई ने जगह सर्च की और उसके बाद बैठ गया हम कुर्सियों के ऊपर। उसके बाद हमने उठाया मेन्यू, मेन्यू के अंदर अपने देखा और जो फेवरेट वहाँ की सबसे पसंदीदा आइसक्रीम थी वो हमने ऑर्डर कर दी। वो ऑर्डर करने के बाद हम वेट करने लगे और बाहर का नज़ारा किया। इतने देर में आ गया हमारा अपना ऑर्डर, ऑर्डर हमने देखा, आया टेबल पर रखा। उसके बाद फैसल भाई ने अपना पसंदीदा पिस्ता और मैंने अपना पसंदीदा पान पसंद उठाया और खाने लग गया। इससे पहले कि कोई नियत आए और हमसे मांगे, हमने जल्दी जल्दी खाया और ख़त्म किया। और फैसल भाई की थोड़ी सी रह गई थी, फैसल भाई के साथ भी फिर हमने हाथ बटाया। जब फैसल भाई की ख़त्म हो गई, इतने में हमें हैदराबाद के मशहूर वीलॉगर्स मिल गए, उनसे हमने बातचीत की, कुछ मिले और उसको हमने टैग भी किया। उसके बाद हमें गया और फैसल की जगह मैंने पेमेंट की और उसके बाद घर पे आ गया।